परम पूजनीय सच्चे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी धन हना सरबत दे भले जीव की गर्मी में उबलती देव के अंदर बैठ के गुरबाणी उचार रहे हैं। धन वाहगुरु सतगुरु अर्जन देव साहब जी हूँ मचते मचते रेते ते बैठ के मचदा मचदा रेता अपने शीश ते पवा रहे हैं। हूँ सर्दी बदली मजदी लोते फल रहे हैं। तती तवी ते खड़के धन गुरु नानक साहब जी का वचन मनन दा भाणा मनन दा धर्म कमाउण दा सबक सिखा रहे हैं। खंड ब्रह्मांड बेअंत धारण हारिया तेरी सो बात तो दो सच्चे मेरे प्यारिया परम पूजनी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महाराज नन भगत संत खालसा जी परोपकारी ब्रह्म विद्यालय दाते नाम रसिए जवान एक है उस्तत बहुत है उद्यमी साहसी उद्यमी ठक्करवाल पिंड है जो ठक्करवाल में प्रोग्राम बनया सी महापुरशां दा संत बाबा करतार सिंह जी ने दोपहर का गप्पा छकया छकन तो बाद गर्मी बहुत सी झोने खड़े सी दासन दासी ने हुक्म होया सैकल चुक ला गई सैकल चुक लिया ते मूहरे डंडे ते संत बह गए चल भाई सैकल तोड़ लिया नाल ही पिंड है तो दोपहर का वक्त सी संतों का सौण का वक्त सी आराम करन का दिने आराम करना है फिर आके शाम की कथा भी करनी है उदम कुरेंद्या जू तू कमा रहा सुख पहुंच दोपहरे का दीवान सजाया गुर प्रसाद आम बेचारे पता नहीं सी बंदे कंध के बैठे सामने गुरु ग्रंथ साहब के जोड़े पाए सिर नंगे हैं जिन्हें कहा ना भाई मन चाहो पैमान के अंदर चाहो सिक्खी के प्रचार का है सासा जी बड़िया मिसाल है समा अग्न नहीं दिता दोपहरे दोपहरे कथा करके सैकल पर गए सैकल पर मुड़के आ गए शाम का दीवान सजा लिया दासन दास संत करतार सिंह जी की सेवा करन का बड़ा लंबा समा मिलया धन गुरु ग्रंथ साहब जी रिकॉर्डिंग देरी ड्यूटी लगी ये प्रचार 10 बजे पूरा होया दासन दास आपके संकल्प के नाल नीच कीट कुकर गुलाम पत्थर वाले छित्रां का हार पा के मूँह काला करके प्रेम बेनती करता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी पूरे गुरु हैं जिस नेशन दे पूर्ण गुरु जी अत्यंत सर्दी बल्दी रुत दे विच तत्ती तवी दे खड़दे हैं। धन गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी लोहे के तंग पिंजरे बैठ के अकाल पुरख जी की बंदगी करते हैं सिमरन करते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी माता पिता चारे साहब जी सब कुछ कुर्बान करते हैं।
नेशन नूं इन्नियां कुरबानियां देणियां पईआं गुरु जी ने कुरबानियां होईआं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी प्राप्त होए हैं सारे कहो सिर चुका के हाथ जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मन टकाउण दे महापुरशां ने बड़े ढंग दसे हैं साखी चेते कर लो ते अगां सुनाओ एक गल जरूर जिक्र योग दसन वाली है संत बाबा गुरु तेग सिंह खालसा जी महापुरशां ने दसन दास नूं कमरे में बुलाया बैठ के सिमरन कर लगे दसन दासी संतां दा चेहरा तक दी मैं सच बोलदा हिरदे च मूँह चौड़ तो दिमाग गुरबाणी बड़ा चाव छा बनता है सिमरन करने तो बाद महापुरश बोले संत तेरे दयाल उन्हें मेहर पाई कहिंदे भाई ऐ मन टकाईदा नाल तो होर गल कही कि भाई इत्थे होर कोई सकल्प दे विच दुनियावी सकल्प नहीं रखना धन वाहिगुरू सतगुरु अर्जन देव साहब जी हुण तत्ती तवी ते खड़ रहे हन से सिम रहे जेने आपे सिमराई नानक ताकै लागो पाए हर कार्य बोर्ड हो गए चाक बोर्ड दो दुखियां लिखिया जान पोथियां मिल गया दो दुखा लिखनी है संतां ने दुख पढ़ी इन्ना लंबा समा हो गया संत सदा हाजिर हन सत्संग से सत्संग सिहारी ममा मुक्ता मो रारा मुक्ता रो हाहे सारी है से सिमर है जे जे सारी जे नन्ना मुक्ता न जेन एडन करना आप अपे सारी पे आपे सत्संग सिहारी से ममा मुक्ता मो रारन करना रा इड़न आए सिमराए ननन करना ना इतने हदा आ गया ननक ना ना नना तन कक्का मत नानक तत्न करना ता कक्के तरह कह ता कह लन करना ला कक्का मत गौरे उड़ो लागो पतन करना पा इड़ी नू ला ए पाए हदा एक गल वड्डी हर वेले गुरु साहब की कुरबानी जपनी है वाहेगुरू वाहेगुरू सीधी गल वाहचार्य गुरु हुण तत्ती तवी ते खड़े हैं वाहचार्य गुरु जी हुण सरबंस करवार कर रहे हैं वाहचार्य गुरु ग्रंथ साहिब जी हुण सिख दे दिमाग च गुरबाणी भेज रहे हैं दिमाग हिरदे च मूँह चौड़ भेज रहे हैं सिख ते साच नाम की ओर वरखा कर रहे हैं वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई महापुरशां ने यह वचन कहे खुशखबरी की गल बहुत वड्डी है सिख नेशन की सारी दुनिया वास्ते एक बारी संत बाबा जी पिंडरी पढ़ गए थे सिमरन दे नाल रजे पे आ दसन दासी कोल हुई कहिंदे मुहारनी भजन है इन्नी अखर मैं किसी ग्रंथा का दिन नहीं पढ़े भाई मुहारनी भजन है फिर भाई महापुरशां दी जदों ये वचन हो गया मुहारनी भजन है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे पाशक ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ना तो जोड़ना ये बहुत वड्डा गुण है गुरप्रसाद गुरु ग्रंथ साहिब की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मैं हमदा वास्ते नहीं गल करता श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ जोड़ की बेनती करता हाँ कि दस वरे प्रोजेक्ट चलता रहा गंगानगर रिकॉर्डिंग पूरी हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने मेरे अंदर यह इच्छा पैदा की भी संतान के अर्थ रिकॉर्डिंग आनी दुनिया के प्रगट हो जथा बड़ी चढ़त सी रागी गुरु प्यारे बोपा रामा तो रागी की संत गल मानते जिन्होंने संतान की कथा का पाठ किया उन्होंने बेनती की भी हूँ आप संतान तो सदीक की आग्या ली सारा जथा बड़ी चढ़त दे गंगानगर संतान का आसन है ते संत करतार सिंह जी 90 पत्रे रोज महापुरशां नूं सुणाउंदे फिर रात नूं संत महापुरश खड़ के अरदास करदे
सत जी नितनेम सुना रहे हैं। रागी जी ब्रह्म प्यारे मने परमने नहीं सन, जोड़ा राह के मर्यादा दे नाल हाथ जोड़ के सच का गज पला पा के बोले, बाबा जी पता तो गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्ण हो गई है, पर यह सदीव होना चाहिए है। भाई संत बहुत से दीर्घ नर्जन दिख सुन रहे, हाँ बई जिमें ना दूर नू संतों का हसदा है, उन्हें तो सदे खुश रहते सी, पर जब जुथे देखा संत बड़े खुश हो गए। देख के खालसा मेरे रूप है खास खालसे में करो निवास, दर्शन बड़े बहुत ज्यादा दुर्लभ गल है जी, सिद्धा के दर्शन से संत जिमें होया वह दसदा। संत करतार सिंह ने भी रात धार लिया, रागी जी ने घूर लग गए तान लग गए, कहते तू गल करना है एड्डी वीडी पांडा सदीक की कौन चुप किए होगा, मेरी तो ड्यूटी पहले ही ज्यादा है, भाई नब्बे पत्र रोज सुनाने, जत्थे का प्रबंध चलाना, संतों का इशनान करवाना, दो वेले बुरकियां मूंह पाउनियां, क्रिया करवानी, बहुत ज्यादा ड्यूटी सी। कहिंदा तू मैनू बसा देना है, संतां नूं नींदरा बड़ा रहिंदा सी, ड्यूटी बड़ी हार्ड सी, ते संत हस पे कहिंदे मैनू हुण यकीन हो गया कि जिहड़े अर्थ है अलोप हो जाने सी, पर तुसीं अर्थां दी संभाल करोगे। चलो महापुरशां ने अरदास की संत करतार सिंह जी, बाबा बूढ़ सिंह जी, नेम सिंह ते वैद रंजन सिंह जी, संत परमजीत सिंह जी महापुर मालपुर ते दासन दा सरन छोटा भाई अरदास करके संत बहुत ज़्यादा कागर हो गए, इन्ने कागर हो गए कहण की गल ही नहीं, अकागर होकर महाराज के सामने बैठ के हाथ जोड़ ले, इन्नी गरीबी ना बोले, मैं इन्नी गरीबी ना कोई बोलता नहीं सुनिया ना देखिया। कहिंदे दासन दास ने तुहाडे आखे लाके अरदास कीती है, समय उतरा चढ़ा दे आउणगे, शरीर छेदी छेदी तुर जाणगे, शरीर रहने नहीं, जिहड़े सिंह रहण वह धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सेवा कर। भाई एक होर भी गल है, इतने ही गंगानगर महापुरश गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करते सन, दसन दास ने बुलाया, कहते भी तेरे को कृपान है, दस ने कहा नहीं, कहते चंगा हूँ कृपान तेन दूंगा, दोबारा फिर वर दिता, कहते तेन कृपान की लोड़ नहीं, तेरी कर्म कृपान की काम करेगी। एक बार संतान ने कहा जवाड़ बुढ़ी निसरती है, वह पहली बुढ़े होने का मैं बल मिल गया, पहली पोथी सठ बरे उत्ते जाके छपी, सिख नेशन की जगत में बड़ी बड़ी खुशी है, दिलसैर सिंह ने बनाई है gursevak.com gursevak.com। इसते फिर महापुरशा ने कृपा की, सिंह का नाम भाई सुखदीप सिंह संतोख सिंह, दस नूं फड़िया गुरु ग्रंथ साहिब दी रिकॉर्डिंग शुरू कर ली। पहला उस रिकॉर्डिंग ते तीन वरे मेहनत हुई सी, बसाम ला के सिलाई सफाई करके, फिर रिकॉर्डिंग पांच वरे रिकॉर्डिंग तैयार हुई, वेबसाइट ते मिल सकती है, दासां कोल मिल सकती है। उस गुरप्रसाद जी जिहड़ा संतां ने कहा सी मुहारनी भजन है, ये गल बड़ी वड्डी काम आई नेशन सिख नेशन बिच, ये गल मनी जाए, फिर महापुरशां दे बचन नूं मन लिया। बच्चों का मोह मैनूं बहुत ज़्यादा आउंदा वी बच्चे नहीं लग रहे, अल्फाबेट बाल विदेश तैयार होया गुरु की बाल विदेश जिहदी 8 घंटे की रिकॉर्डिंग है कली कली लग बोल के। भाई रणदीप सिंह जी ने लगातार दो तीन वरे सेवा की, इतों का बारन गुरमुख है, मांडियल सेवा होंगी रही। फिर भाई सुखनी साहब का 6 वरे लिखे गए, तो वो क्यों संत की कथा सुनो, पहला 10 घंटे लिखो एक घंटे की कथा, फिर भाई वो मेहनत मशक्त कर रहे हैं, बहुत लंबा समा लग गया, पहला काम से जो कि नाल ट्रेनिंग हो रही है, उसी इक्कीवीं अष्टपदी के अर्थ विशेष हैं, जिस श्री गुरु अर्जन देव महाराज की अवस्था का बयान है,
एक चालीगढ़ आई जिथे अर्थ बनते नहीं उत्थे फिर गुरु गुरु साहब नूं याद करके सिमरन करके गुरु साहब की अवस्था दे दे लिया के फिर वो अर्थ क्लीन होता है। इस तरह जिवें दास नूं अभ्यास सी कि संतां दा चेहरा तकदा है पंजवें पातशाह नौवें पात की शहीदी जपदा वाह चज गुरु वाह कुरबानी नान दास दा कुरबानी। हुण जिहड़ी जिवें इस वेले संतां करवाउण वाले नहीं मिल रहे जिमें हर एक सिख बच्चा वह स्टैंड यू बन जाता आई आप ने कृपा की है डीवीडी अंग्रेजी बनाती मुहारनी की बार बाल उदेख की घरे ला ली सारिया पोतिया स्क्रीन च पा लो बच्चों ने बैठ के इन्होंने वोकैबलरी देवो बेबे साखी 13 बारी पढ़नी है ना वोकैबलरी दे दौ प्यार दे दौ बच्चों को चाहिए पहला नचो तो फिर आप साखियां पढ़ी खुश होकर लग जाते हैं हर जन नाचो हर हर त्याए फिर भाई बाल बदेरते हर बच्चा बच्ची जिन्होंने शुद्ध चरण बनाया वो जमी जागती मिसाल है भाई वह पांच पांच बजे उन्होंने बाल बदेश कान चला के सुन लिया या प्रकाश करके सुन लिया जिन्हें चर कली की लाल हूँ असं मात लोग की जिंदगी भोग रहे हैं किन्ने % शरीर हैं जेडे गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करते हैं किन्या ने सारी जिंदगी दर्शन नहीं करने आप जिंदगी भोग के जाना है चाहिए यह आ महापुरशा का वजन मुहारनी भजन मुहारनी पहरा देता जो नेशन गुरु ग्रंथ साहब ने जुड़ जोड़ की तकनीक हर बच्चे बच्ची के कोल होगी तो नेशन का स्टैंड जोड़ा फिर खालसा नहीं बन जाता। जिमें गुरप्रसाद जी ये रिकॉर्डिंग फिर दास इतों थकरवाल गए तो जिते संत करतार साहब ने विश्राम दिता भाई श्री सहज अखंड पाठ त्याग साहब जी आरंभ हो गए DVD ला के नौवां तियां सारे पिंडे विच इन्ना मतलब बड़ा खुशी हुई जिन्होंने कदे दर्शन नहीं किए गुरु ग्रंथ साहब दर्शन कर लगे क्योंकि शुद्ध चरण सुन के वे डाकू छड्डी नहीं तो जिमें शुद्ध चरण बोलता किवें आप बोली जाते हैं। एक प्रेमिया ने सहज अखंड पाठ आरंभ कराया और इस ख्याल के नाल भी प्रचार होंदा कोई मनी की गल नहीं सी संत उत्साह होर वधिया सचारी बच्ची ने कहा कि मेरे पिता जी ने कदे गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन नहीं किए हूँ दस माता पढ़िया तो इनू ला दे रोल फिल्मा महाराज ने ला ही देना उन्होंने रोल दे देना भाई जगीर सिंह बजुर्ग 61 वर्ष की उम्र आ रोल दे लगे बड़ा खुश होया मैं कहा भी ये किवें भी अगे कद दर्शन किए आई जब सिखा के घर जान लैके 61 वर्ष की उम्र हो गई गुरु ग्रंथ साहिब एक बार भी दर्शन नहीं किए। सो इस तरह साध संगत जी महापुरशों का वजन है मुहारनी वजन है जिन्हें बच्चों ने घर डीलिंग हो गई तो आप घर में मुहारनी बोलीए हर एक सिख बच्चा बच्चा आपके स्टैंड से आ जाए मुहारनी तो बाद संत महापुरशा ने रुद्रपुर जो ब्रह्म विद्या संस्कार कार्ड कराया सी ये मेहनत होंगी सी वो फिर टेबल कार्ड तो सुन के प्रिंट हुई ये 5 संस्कार पोती है ब्रह्म विद्या जन्म संस्कार आनंद संस्कार अंतम संस्कार यानी अमृत संस्कार ये फिर उस बाद पोती सुनी जा पहला अलफाबेट फिर ब्रह्म विद्या पोती फिर ये ही गरीबी वाली पोती वो कितों मिली महापुरशों को जो संतान ने कहा तेरी कलम कुरबान का काम करेगी वेबसाइट पर आकर देख लवो गुरु ग्रंथ साहिब के शुद्ध चरण की गल नवी गल है आम जनजीवन लग लाउणी बड़ी औखी लगती है बंदे तो लग नहीं सकती पर जो कड़ी की लग बोलते जो छोटे बच्चे तो मिठे तोते हैं मोती परोंदे हैं इन्हों बड़ा सौखा है यानी कली आप कहने हा मोता हरारे सहरे हारे सहरी लागे तो हारे तो पहाड़ी कही जाने हुक्म है अंदर है रण सहरी सब अभिनो कुटको बाहर है रण सहरी हुक्म ना कोए नानक हुक्म है जे बुझे तो हमें कह ना कोए दादा टापक है शुद्ध चरण हर वेले
गुरु ग्रंथ साहब जुड़ जुड़ वास्ते शुद्ध चरण महाराणी गुरु ग्रंथ साहब जी बख्शे आ। सिख दे हर वेले हिरदे च जुड़ भेजते हैं, दिमाग बाणी भेजते हैं। फिर पैगंबर आए, वो कहते सानू काशी पैगाम आता है, दुनिया मगर लग गई, पर आकाश तो अपने ढिड विच भी आ, आकाश धरती विच भी आ, आकाश हर जगह ही आ, व्यापक आकाश का कोल वेल का ना है। कहो धन गुरु नानक साहब जी उच्ची, धन गुरु नानक साहब जी, धन गुरु नानक साहब जी, धन गुरु नानक साहब जी। गुरु नानक साहब कह रहे हैं, जैसी मैं आवै खसम की बाणी, तैसला करी ज्ञान वे लालो। हे गुरुपद लालो जी, खसम मालिक नूं कहा, अंग्रेजी हसबेंड कह दें, पति परदेसे नूं कह दें, अकाल पुरख मैं कामन मेरा कंत करतार। किसी अवतार ने अकाल पुरख नूं पति परदेसे नहीं किया। कबीर साहब जी कह रहे, कह कबीर मोए बह चले हैं पुरख एक भगवाना। गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुत बार बार आंदा है, जिवें पति वरता पति पति जी दा आर्डर मंडी है, इउं गुरसिख गुरमुख माई भाई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं कदे पति भावना, कदे पिता भावना, कदे मित्र भावना, दनी रंगा रंगा दे ढंग दे नाल, गोसाई मेंढा इठड़ा आ मावे थाबो मिठड़ा, भैन भाई सब सजना तुझ जह नहीं कोई जीव। गरीबी की गल लैनी आ, गल्लां दो वड्डियां हन कि मैं महाराज नूं तती तवी ते खड़े फिर गरीबी की बोलते आ, उदो मन बरस च लग जाता कोई धन गुरु, धन गुरु महाराज की गरीबी बोल रहे आ। कौ नानकम नीच करमा, सारे ने परे की राखो शर्मा, सारा ने नाने विचारी। हे अकाल पुरख गुरु नानक साहिब दसा नीच करम वाला है, ते मैं आपकी शरण का मैं आपकी शरण में रख लवो। एक नहीं एक प्रमाण मात्र है संत महापुरश। ये गल बहुत बड़ी है कि भाई रिकॉर्डिंग नवी गल जगत आई है, रिकॉर्डिंग लै लो, पोथियां लै लो, रिकॉर्डिंग लै लो, रिकॉर्डिंग ला के मगर मगर बोली जाओ। आप जिंदगी का मजोर सल करते हैं, तीर्थां जाने जतन करते हैं, तो एक घर में तीर्थ नावर जाओ, तीर्थ नाम है, 24 घंटे घर में शुद्ध उच्चारण गुरु ग्रंथ साहब की रिकॉर्डिंग, पोथियों की रिकॉर्डिंग लगी हो, घर च आवाज भरपूर रहे। लो जी महापुरशा का दृष्टांत, ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी सिरे उठे, स्नान किया, सिमरन नितनेम, दो शब्द कीर्तन सुने, कथा शुरू कर रही, कथा करके बाबा जी संत बाबा करतार सिंह जी 25 पत्रे रोज सुनाते। फिर भाई जिवें गुरबाणी मच्छी का जीवन पाणी, मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाओ। फिर भाई संत आपदा गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन कर रहे हैं, दर्शन दास को बैठा देखता, गुरबई को खड़ा है। संतान ने जब बाणी पढ़ने पढ़ने गरीबी का शब्द पद आ गया, जो खाको संतन की देव प्यारे आए तय हर तेरा द्वारे। अर्थ धन गुरु अर्जन देव महाराज सुनाते हैं, हे अकाल पुरख गुरु नानक साहब जी, दर्शन दास आपके संतान की खाक दे दौ, चरण धूल दे दौ। दर्शन दास आप जी के द्वारे से आके पिया है, एक नहीं हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। फिर एक जगह नहीं बार बार कह रहे हैं, जिन्हें किसी अवतार पैगंबर ने ये चरण धूल की मंग ही नहीं की, साढ़े संसारी जो संसारी मंगा है वो जाचक जाचा है संत रवाला। हर जगह महाराज मंग मंगते हैं, ये बहुत बड़ी मंग है संतों की मंग। जिंदा अपने दाले संत हो, आप संतों की सेवा करी जाइए, तो संतों की जशीस से बल हो गए कि आपने दाले जो संसार का खरारा सन दुख देता है, संतों के दर्शन के नज़ारे हैं, संतों के चेहरे तकना, मन बसमात होना। बई संतां दा चेहरा तक इन्नी बसमात ही होंदी है, जिहड़े प्रेमी गुरु नानक साहिब दसां पातशाह दा चेहरा तकदे होणगे उहनां नूं किन्नी कु बसमात ही होऊ। कलयुग सिक्खी पहली गुरु की कमाई करके है, कुरबानी करके है। सरसार संघ जी समा आग्या नहीं हुंदा, सो ध्यानयोग बेनती आ, देखिया गुरसिख नौजवान सिंघां दे उपराले नाल दमदमी सरसार दे 13वें मुखी संत महापुरश संत बाबा करतार सिंह जी पिंडरां वालियां दी बरसी बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाई जा रही है।
अज शाम यह समंदर च प्रोग्राम होगा। तो प्यारे वो गल इनी आ हूँ सब तो सौखा धर्म सिक्खी धर्म है। गल बहुत ही वड्डी आ जे आम दुनिया समझती है भी जिहड़े वेदे उही बाणी पढ़न, पर गुरबाणी दे नाल जिवें साढ़े सारे बोझ लह जांदे आ। जदों आपां कोई चीज़ बरगाउंदा आपां खाने वो कह दे बिना संतोख नहीं गुरा तो अपनी हैल्प होगी। जब संतोख ना सक लीए वो जाने एक बार ज़्यादा सक लिया फिर हैल्प ले लो। टाइम नहीं आता, टाइम लेके जाता, बिना संतोख नहीं गुरा जाए। शुगर बढ़ रही है, पढ़ लो दवा दाम बोझ लह गए। मिठा कौड़ा दो है रोग ना खंत बिगुते को महाराज वालों हैल्प आ गई, मदद आ गई। पकवान के नाल बेड़ा डुबी जाता, गरकी जाता, कैंसर आ रहा है, हैल्प ले ली। ये तो गल घर घर लिखनिया चाहिए है। भांत भांत पछत पकवाना उपज रोग दे नाना। गुरु गोबिंद सिंह साहब का वचन है जेडे स्वादी बंदे भांत भांत तरह तरह के पकवान तले बना सकते हैं उन्होंने शरीर से नाना रोग पैदा हो जाते हैं। हर गल जीव की सहायता इसे लोग भी परलोक भी महाराज साहब की जो गुरबाणी जी हैं जिमें गुरबाणी तो बिना सारी जिंदगी जीरो कह लो सिफरा कह लो। जो गुरबाणी देख ना लग दस गुणा बद ही जाती है। से इस करके महाराज की कृपा ना जो गंगानगर अरदास की सी पहला टकसाली टीका सन छपया दास न टेपा तो सुन के लिखण का मौका मिलया क्योंकि टेपा की ड्यूटी मेरी सी। उस तो बाद सेवा लगातार चलती आई तो इंडिया में गुरदासपुर सकराल के नेड़े बेटवे गुरु साहब का स्थान बन रहा है। महापुरशां की जिवें कृपा हो रही इस इच्छा लैके भी स्थान से शुद्ध चरण का प्रोड्यूस होवे। उतों का फोन है 8968597793 987699886 86। इतने कोई जानकारी वास्ते 905216437। सिर्फ गल खुशखबरी की है दास ने कष्ट बड़े भोगे हैं। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी वालों जो उपदेश है हेल्थ बारे पोथी छपी है वो 29 अंग से एक पेज आ स्वाद के त्याग का। कोई गुरु वापस तो बिना डॉक्टर नहीं स्वाद के त्याग का वो देख देंगे। गुरु नानक साहब ने गुरमुख राग स्वाद त्यागी त्याग के उपदेश दिता है। सदों तो रोग पैदा होंदा है। पोथी में गुरप्रसाद जी चाह के त्याग का तड़के के त्याग का गुरु ग्रंथ साहब के जिन्हें उपदेश हैं वो सारे उपदेश हैं नेचर फूड का। सो एक इलेक्ट्रिक चक्की की काढ़ कढ़ी है वह सजराटा शुरू कर लो, दाल भाजी थले लो, फिर हल्दी पाओ। जिहड़े प्रेमी शकल सुकाउण विच आपका ख्याल नहीं करते बेहाटा बच्चों शरीर एक्सपायर्ड है फिर भाई खंड सारी दुनिया से छा गई। खंड तो रोग उपजता शूगर तो खंड तो फिर आता कैंसर। ये अजकल तो कैमिकल की तेजाब पा के खंड साफ करते हैं। गुरु घर में मर्यादा गुरु साहब ने मर्यादा दी है हर प्रकार की सिक्ख्या जो दिती है तो गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक साहब जी ने बख्शी है। हेल्दी पोथी भी जरूरी है जिहड़े मापे बच्चों जो हर चक्की का आटा बहुत जरूरी है। दारा सिंह आप सुनते फेमस वो माँ ने चक्की के आटे ने पालिया हूँ इलैक्ट्रिक बड़ी कामयाब है। सो गरीबी की पोथी महापुरश लगातार प्रशादा ना छकते गरीबी का बल अभ्यास करते। उस देख के दास ने इच्छा हुई गुरु ग्रंथ साहब चो आदबाणी भाई गुरदास जी बारह चो गरीबी के शब्द पद के चॉइस के शब्द हैं ये प्रकाश करके आप घर सुन सकते हैं। फिर भाई जो आप रात में ला के पै सकते हैं जोड़ा गुरु ग्रंथ साहब की हाजिर नेड़े में नेड़े 24 घंटे ये बहुत वही सहायता है। जोड़े मापे बच्चों ने रल के मुहानी बोल के पोथियाँ सुन के उन्होंने फूड गुरु ग्रंथ साहब के हुक्म अनुसार आप जी उन्होंने फिर वह लोग सुखी प्रलोक सदे हो गए। सो शाबाशे गुरु साहब के प्यारे बच्चों ने संत बाबा करतार सिंह जी की प्रेम यादगार के उन्होंने वास्ते उपराला किया है। सो दास इस गल विशेष ही समझता जिमें महापुरश ने दसिया
शब्द नूं प्राप्त करके शुद्ध करके लगा मत न सहत शुद्ध बोल के विश्राम जम भी देख के आप प्राप्त करना दूजे नूं करवाउणा ए संसार ते जुड़ जाउण दी रीति है। इस रीति दे नाल शुद्ध चरण दे नाल सिख जगत विच आउण वाला बच्चा हर इक बच्चा बच्ची श्री गुरु ग्रंथ साहिब तों बख्शा मेहरा लै के हिरदे मूंह चौण प्राप्त करके दिमाग गुराणी प्राप्त करके सदा निहाल होवणगे। समा अग्गे नहीं दिंदा, वेबसाइट है गुरसेव जी यू आर एस ई री ए के कर कर सुन सकते हो। इस तरह फोन है 905-216-7437 इतने आप संपर्क कर लेना है। सतगुरु महाराज की कृपा होगी ऐसी बख्शनी जिन्हें महापुरुषों ने अरदास की है अर्थ तो बहुत नाइस बन गए तो मेहनत भी फेरी महाराज ने करा ली है। अगली जिम्मे हम सुख एक गल बहुत कीमती तो कीमती है जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब श्री छप रहे हैं वो पाठ बहुत मिले आ रिकॉर्डिंग मिले जे ब्रह्मज्ञानी पाठ होता उ पाठ ब्रह्मज्ञानी है चाहिए कट्ठा कि अड आई जाता। इस तरह एक दृष्टांत का पाठ हो चरण कमल कितने कट्ठा कि अड इस तरह बी परम गात काफ़ी पाठ हैं तो बहुत वही दृष्टि की गल है महापुरश जोड़ा पाठ की रै लैनी होंगी पंजा स्वरूपों की रै ले लेंगे उदो साफ हो जाता बी चौं स्वरूपों का जोड़ा पाठ है वो ही सही है जो तिना तो सही है वह हों भी सही इस तरह ही है। ये बड़ी वही मेहनत है शुद्ध पोथी छापन की इच्छा है सो महाराज कृपा करने बी नेशन नू, मतलब महाराज की कृपा बी गुरु ग्रंथ साहब दी बख्शां दे रहन गुरु साहब के बच्चों कुरबानियां तो तुरियां आउंदियां है पर यह जी दिलचस्प हो के सैटल पे आओ पोथियों से सैटल लवो अठ पोथियों की रिकॉर्डिंग है 10 पोथियां गुरप्रसाद जांदी उहदी पूरी सिख्या है हेल्थ बारे सीख्या इसाज बारे सीख्या गुरु ग्रंथ साहब जुड़ जुड़ की तकनीक चाहिए तो हर बच्चे बच्ची नू शादी तो पहला रज के परमात्म पोथियां सुन के एक्सरसाइज करनी चाहिए आ गुरु ग्रंथ साहब के हुक्म अनुसार खाना पीना पहनना चाहिए। इन बेनती करके दसन दस सदा प्रगुणा जी वह शीश बख्शनी सदा ही जो अगली सेवा महाराज कृपा कर चढ़ती कला पूरी हो जाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।